अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जो है अलवर स्टेशन पर मिल्केक खरीदने के लिए उतरती है। वह जब मिल्केक खरीद कर अपने कमरे की ओर बढ़ती है, मतलब ट्रेन के डिब्बे की ओर बढ़ती है, इतने में ट्रेन छूट जाती है। वह चढ़ने ही वाली होती है कि वह चढ़ नहीं पाती, ट्रेन चलना शुरू कर देती है और वह गिर जाती है, प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है। उसके बाद उसके और होश नहीं थे, पर जब उसका होश आता है तो वह देखती है कि वह लेटी हुई है और जो यंग बच्चे थे, तीनों युवा पीढ़ी जो थे, उन्हें घेर कर है और काफी भीड़ भी जमी हुई है। उसके आगे हम पढ़ेंगे, ठंडे पानी की तेज छपाके से मैंने अपने चेतन का छोर ढूंढा और अवचेतन की सीढ़ियां फाटती हुई, होश में आने की जल्दी में मैं उस आघात की पारदर्शी झिल्ली के नीचे से मुठिया बांध बांध कर चीख रही थी, जो कि अस्पष्ट में वो बदलती जा रही थी। मतलब अब होश आ गया है और उसका दिमाग अभी जो है काम नहीं कर रहा है। वह जब अपनी आंखें खोलती है तो चारों तरफ क्या देखती है, भीड़ जमी हुई है। आंटी आर यू ओके, उसमें से एक बच्चा क्या कहता है, आंटी आर यू ओके, आंटी तो डॉग शी ओपन हर आईज। छोटा लड़का मेरे चेहरे से सटा फर्श पर हड़बड़ा सा बैठा था, तो हड़बड़ाया हुआ सा छोटा जो लड़का था, तीनों बच्चे जो थे उनमें से जो छोटा था, वह कहता है आंटी आर यू ओके, और फिर वह डॉक्टर से कहता है कि शी ओपन हर आईज। आवाज में एक नेहे भरी ऊष्मा की थरथराहट थी। कैसी है आप, एक अजनबी रेलवे का डॉक्टर ने पूछा। तो इतने में रेलवे का डॉक्टर भी आ गया और वह क्या पूछता है कि आप कैसी हैं, हालचाल पूछती है और बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये यंगस्टर्स नहीं होते तो, यदि ये यंग जनरेशन, ये यंगस्टर्स नहीं होते तो आप मुसीबत में पड़ जाती, इस यंगस्टर्स ने ही क्या है आपकी जान बचाई है, इनका और खुद का शुक्रिया अदा करें, इनके कारण ही आपकी जान बची है, आपको इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। गनीमत है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, पुराना खाया पिया काम आ गया। हंसकर डॉक्टर ने मेरे हवस दुरुस्त करने की कोशिश की। तो डॉक्टर ने कहा आपने बहुत अच्छा खाना पीना किया है ना उम्र भर, तो इसीलिए क्या है आप बच गए। तो इस पर क्या है उनके मन में जो घबराहट थी वह दूर हो जाती है। बस अभी एम्बुलेंस आती होगी। मैंने थोड़ा उठना चाहा तो वह लड़की आगे आ गई, अपनी बाह का सहारा लिए। तो लड़की का नाम क्या था, लीजा। तो वह क्या है आगे आती है। मैंने देखा उसकी शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था। मैंने दाई बाह की तरफ पीड़ा महसूस की, छुआ तो वहां एक गीला स्कार्फ बंधा था, यह बड़े लड़के का था। तो उसका जो है देखो माथा भी फट गया था, भुआ की तरफ आईब्रो की तरफ क्या है सिर फट गया था और वहां पर पट्टी बनी हुई थी और वह पट्टी क्या है जो स्कार्फ है वह किसका था, बड़े लड़के का था। दोनों घुटनों पर रुमाल बंधे थे। इतने में बड़ा लड़का पसीने से तर तर के हाथ में दवाओं पट्टियों का बंडल लेकर आ पहुंचा। जॉर्ज गेट अप, यू आर स्टिल ब्लीडिंग। फिर वो डॉक्टर से कहे डोंट गेट अप, मतलब आप उठिए मत, आपके पैरों से अभी भी खून बह रहा है। बड़े लड़के ने मेरी चोट पर स्कार्फ दबाते हुए कहा डॉग फर्स्ट गिव हर एंटी टिटेनस इंजेक्शन। तो डॉक्टर से क्या कहते हैं, डॉक्टर पहले आप ये क्या कीजिए, उन्हें आप एंटी टिटेनस का इंजेक्शन दीजिए। यंग मैन डोंट टीच मी माई ड्यूटी, तो आप मुझे मेरा ड्यूटी मत सिखाइए, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि उन्हें क्या करना है। डॉक्टर ने हंसकर कहा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैंने देखा डॉक्टर छोटे कद का काला सा अनगढ़ नक्शा, यहाँ पे देखो डॉक्टर का परिचय भी दिया, मतलब वो कैसा दिखता है, वो काला था नाटा सा था। बार बार खुदा के लिए खुदा का तुक किए जा रहा था, शायद मुसलमान था। तो यहाँ पर क्या है
लेखिका मन ही मन सोचती है ये बालक खुदा खुदा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यह जरूर मुसलमान होगा। एम्बुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से अपने गिरने के बारे में पूछ लिया। ओह गॉड आंटी दैट सीन वाज हॉरिबल, लड़की कहती, लड़की का नाम क्या था याद है, लीजा। तो लड़की क्या कहती है, बड़े लड़के का नाम था लूजर और छोटे का नाम था की, ये नाम याद रखना। तो एम्बुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से, मतलब जब एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस पर चढ़ाया जाता है और क्या है, लेखिका पूछी बैठती थी कि क्या हुआ। ओ गॉड आंटी दैट सीन वाज हॉरिबल, एक घंटा भी नहीं हुआ है अभी तो, आप तो बहुत बुरा गिरा था प्लेटफॉर्म पर, आप बहुत बुरी तरह क्या है प्लेटफॉर्म पर गिर गई थी, हाथ छूट गया हैंडल से, वरना ट्रेन के साथ लटकता जाता, अगर क्या हैंडल से अगर आपका हाथ नहीं छूटता तो आप ट्रेन के साथ लटकती। वो जो मेरे फियांसी है ना रोजर, उसने चेन पुल किया। तो रोजर कौन है, लीजा का फियांसी है, ठीक है, फियांसी इसको देखो, रोजर लीजा का फियांसी है, रोजर उसने चेन पुल किया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चेन पुल किसने किया था, तो लिखना चेन पुल रोजर ने किया था। फिर सब बैग बैगेज लेकर सब क्या करते हैं, उतर जाते हैं। आपके पास पहुंचा ही नहीं सकने का था, सब आदमी लोगों के कवर कर रखा था। अब मेरा भाई चिल्लाकर सबको दूर भगाया और आपको रिटायरिंग रूम में लाया। रोजर स्टेशन मास्टर के रूम में रश करके भागा, तब डॉक्टर आया और उसके बाद क्या हुआ, चेन पुलिंग किया गया, आपके लगेज के साथ हम सब के सब उतरे और फिर रोजर क्या करता है, डॉक्टर को बुलाकर लाता है। तुम तीनों ने मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी, तब लेखिका कहती है कि आप तीनों ने क्या किया, मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी, नहीं वही तो जरूरी था ना, आपको उस स्टूपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं था, क्या है, हम तो आपको उनके बीच छोड़ना नहीं चाहते थे, तमाशा करके रखा था ना आपका, कोई उठा नहीं रहा था, क्या आपको कोई उठा नहीं रहा था, इसलिए हम चेन पुलिंग करके आपकी सेवा में जुट गए। वो डॉक्टर जो ट्रेन में था, लेखिका पूछती है, तो फिर जो डॉक्टर ट्रेन में था उनका क्या है, वह ब्लडी सेल्फिश फेलो, वो क्या है, तब कहती है लीजा कहती है वो एकदम सेल्फिश है, वह छुटका था, हिज वाइफ टोल्ड हिम नॉट टू कम विथ अस एंड ही स्टेड बैक। तो वहां पे ट्रेन पर सफर करने वाले जो डॉक्टर थे उनकी पत्नी ने उन्हें मना कर दिया कि आप नीचे मत उतरिए, और वे बैठे रहे दोनों जो है प्रौढ़ युवा युवती जो थे वे ट्रेन पर बैठे रहते हैं और वो लोग नहीं उठते। वी लिटरली प्रेड टू हिम, यहाँ तक बच्चे लोगों ने उनसे बहुत प्रार्थना किया मगर फिर भी वे लोग नहीं उतरे, बट ही टोल्ड आई कांट डाउन आई हैव टू रीच टूडे। पर वो क्या है, डॉक्टर और उनकी पत्नी जो अध्यापिका थी दोनों ने क्या है ट्रेन से उतरने के लिए मना कर दिया और कहा कि हमें आज ही जयपुर पहुंचना है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला जो पार्ट है वो अंतिम पार्ट होगा अगले पार्ट में। धन्यवाद।